मालूम है आपको, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी मंत्र की बीमारी, इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। होता क्या है कि ये जो लोग है जिनको ये समस्या है, इनको दिमाग में बार 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 एक ही विचार आते रहते, और वो इतने बार बार विचार आएंगे वो कि वो विचार आने के बाद में उनको बाकी काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक विचार उन्होंने पकड़ लिया, उनको बार बार विचार आए। अभी देखो, नॉर्मल व्यक्ति को भी कुछ हद तक ऐसे बार बार के विचार आते रहते, मगर वो विचार एक 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट के बाद में वो विचार हम भूल जाते हैं। और वो विचार हम भूल के हम और जो कोई विचार हमारे पास में आता है, सामने आता है, या कोई काम आता है, वो काम के ऊपर हम प्रति करना चालू कर देते। ये लोगों को होता क्या है, उस लोगों को, कि एक बार विचार वो दिमाग में उनके आ गया कि वही विचार उनको कुछ मिनट तक, मतलब 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, वो बार बार विचार आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर समझो, एखादे व्यक्ति को मन में आता है विचार कि भाई मैंने बहुत पाप किया है और मैंने भगवान को नमस्ते करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, तो बार बार वही विचार है। या उसको लगेगा कि मैं गंदा हूं, मेरे हाथ गंदे हैं और मैंने हाथ धोना चाहिए, फिर उसको वही विचार आएंगे। उसको लगेगा कि मैंने कुछ तो भी पाप किया हुआ है, तो उसको वही विचार आएंगे। उसको लगेगा कि भाई मेरा घर जो है ना वो बराबर नहीं गंदा है, मैंने साफ करना चाहिए, तो वही विचार आएंगे। उनको कोई घर वालों के बारे में कि भाई नहीं, मेरा प्यारा व्यक्ति जो है घर का, मेरा बेटा, मेरी माँ या मेरी पत्नी या पति है ना, वो मर जाएगा, ऐसे विचार आते। तो वो विचार जब आते रहते हैं तो इतने वो विचार उनको सताएंगे कि फिर उनको बाकी कुछ काम वो कर ही सकते नहीं। अब यहां तक तो ठीक है, समझो विचार आ रहे बार 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 बार, और वो विचार आ रहे उनको सता रहे। अब कुछ व्यक्ति जो है उनको वो विचार तो आते ही है, और विचारों के ऊपर उनको और एक विचार आता है कि अभी मैंने कुछ तो भी कृति करना चाहिए, और मैं कुछ कृति करूंगा तो जो मैं सोच रहा हूं वैसा होगा नहीं। इसका मतलब ये है कि समझो मेरे मन में विचार आ रहा है कि मेरा बच्चा मर जाए, ये बार बार विचार आ रहा है। अभी मेरे को मालूम है कि ये विचार है, ये फालतू का विचार है, ये विचार में कोई तथ्य नहीं है, ऐसा होने वाला है नहीं, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, मगर विचार आ रहा है कि मेरा बच्चा मर जाए। और वो इतना सताता है, फिर मुझे दूसरा विचार आएगा कि भगवान को मैं नमस्कार करता हूं या भगवान का आशीर्वाद लेता हूं तो मेरा बच्चा मरेगा नहीं, फिर मैं जाके भगवान को प्रार्थना करता हूं, नमस्ते करता हूं, क्योंकि वो विचार मतलब ऐसा होगा नहीं। फिर मैं एक बार नमस्ते करके आया कि मेरा विचार निकल जाए, फिर थोड़ी बार में फिर विचार आया, फिर मैं जाके नमस्ते करना पड़ेगा भगवान, नमस्कार करना पड़ेगा, और फिर वो विचार आएंगे। फिर मुझे विचार आएंगे कि मैं 3 बार ऐसा करूं, भगवान को प्रार्थना करूं 3 बार तो वैसा होगा, फिर मैं 3 बार नमस्ते करूं, फिर विचार आएगा कि 3 बार ऐसे 3 बार करना, मतलब 9 बार, तो विचार आएंगे, मतलब फिर वो विचार वैसे ही चालू रहेगा, उसके ऊपर वृद्धि करना चाहिए। समझो मुझे विचार आ गया कि मेरे हाथ ना गंदे है, गंदे हाथ, ऐसे विचार आ गया, चलो फिर धो लो, फिर मैं धो लूंगा, धोने के बाद में फिर विचार आएगा कि नहीं नहीं हाथ तो गंदी है, अभी बराबर हुए नहीं, फिर थोड़ी देर के बाद में मैं जाऊंगा हाथ धूंगा, फिर थोड़ा शांत तो लगेगा, फिर थोड़ी देर नहीं मेरे हाथ गंदे, फिर जाऊंगा फिर हाथ धूंगा, फिर ऐसा इतने बार हो जाएगा कि फिर बार 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 जाके मैं हाथ धूंगा। कोई लोगों को लगता है कि नहीं मेरे कपड़े जो है ना वो गंदे हो गए, कपड़े धोना पड़ेगा, फिर वो बार बार कपड़े धोएंगे, फिर नहीं मैं है ना अशुद्ध हो गया हूं तो मुझे नहाना पड़ेगा, और एक बार ना के मेरी संतुष्टि होती नहीं, फिर मैं 2 बार 3 बार 4 बार, तो ऐसे लोग 1-1 घंटा 2-2 घंटे बाथरूम में बैठे रहते और नहाते रहते। फिर कुछ लोग बोलते हैं मैंने पाप किया है, या मुझे कुछ तो भी, मेरा कुछ तो भी खराब हो जाएगा, कुछ तो भी गड़बड़ हो जाएगी, तो मैंने भगवान की प्रार्थना करना चाहिए, मैं पूजा, तो फिर मैं पूजा करने बैठूंगा, और पूजा फिर 1-1 घंटा 2-2 घंटा 3-3 घंटा पूजा ही कर रहे हैं, क्योंकि मैं पूजा नहीं करूंगा तो फिर वैसा हो जाएगा, जो विचार आ रहे गलती गलत है ना वो हो जाएगा ऐसा। तो लोगों को अक्सर बार बार हाथ धोना, बार बार नहा लेना, बार बार घर साफ करना, भगवान की पूजा करना, या उनको लगता है कि नहीं अपन लैट्रिन को गए तो लैट्रिन बराबर हुई नहीं, अब विचार आता है कि लैट्रिन हुई नहीं, फिर जाओ लैट्रिन,
वो बैठे रहते, क्योंकि बाहर आ गए तो फिर विचार आएगा कि लैट्रिन हुई नहीं है, तो फिर वहीं बैठे रहेंगे एक एक घंटा दो दो घंटा लैट्रिन में बैठे रहेंगे, ताकि वो लैट्रिन पूरी एक बार समाधान हो गया कि लैट्रिन हो गई, फिर वो बाहर आएंगे। मतलब उनको पूरे दिन भर में वो कोई काम नहीं कर सकते, नहाना धोना कपड़े धोना घर सफाई करना भगवान की पूजा करना लैट्रिन जाना, बस इतने में ही उनका पूरा दिन निकल जाता, उनके हाथ सफेद हो जाएंगे, उनका शरीर उनका पूरा बदन सफेद हो जाएगा बार बार बार, क्योंकि साबुन घसते रहेंगे। घर इतना, ये लोगों का घर इतना साफ सुथरा रहेगा और घर की चीजें जहां की वहां रहेंगी, मतलब पेन वहां रहेगा मतलब वहीं रहेगा, आईना वहां के वहीं रहेगा, मोबाइल वहीं रहेगा, मतलब उनका घर ऐसे, ये लोग बहुत परफेक्शनिस्टिक होते हैं और उनको सब चीजें परफेक्ट चाहिए, तो घर तो बहुत अच्छा दिखता है, सुंदर दिखेगा। ये लोगों को प्रॉब्लम होता है खुद को, और फिर ये लोग घर के बाकी लोगों को भी तकलीफ देंगे। वो कैसी कि जो बीमार है वो तो बोलेगा मैं हाथ धो लूंगा पैर धो लूंगा या नहाऊंगा, घर का व्यक्ति कोई बाहर से आकर नहीं तो गंदा है, फिर उनको हाथ पैर धोना पड़ेगा नहाना पड़ेगा, फिर उनको भी जबरदस्ती नहाने लगाएंगे हाथ धोने लगाएंगे कपड़े धोने लगाएंगे, तो घर वालों को सबको तकलीफ होती है, सब लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनका साफ सफाई में ही पूरा दिन निकल जाता है और बाकी लोगों को भी ये बोलेंगे साफ सफाई में। देखो हमको कुछ लोगों को तो मतलब थोड़ी मात्रा में तो सबको रहता ही है, जैसा हम क्या करते हैं नॉर्मल आदमी जैसा लॉक चेक करना ताला चेक करना, तो हम एक बार लगाएंगे फिर एक दो बार और चेक कर लेंगे, यहां तक तो ठीक है हाथ धो लिया, एक आधी बार लगता है कि नहीं और एक बार धो लो तो ठीक है, और एक बार धो लिया मतलब दो बार धो लिया तो अपना समाधान हो जाएगा, या पैर धोना है तो फिर पैर धो, मतलब नॉर्मल मात्रा में। जैसे चलते हैं तो ये लोग जो स्टेयर कैस है मतलब पायरी जो है वो गिनेंगे और ऊपर जाते जाते वो गिनते गिनते जाएंगे, फिर टाइल्स जो है तो टाइल्स का जहां ज्वाइंट है तो उसके ऊपर पैर रखने का नहीं, उसको क्रॉस करके रखना, मतलब ऐसे उनके दिमाग में मैजिकल थिंकिंग आते रहे, जादू विचार कि मैं ये करूंगा तो ये नहीं होगा, जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि गलत हो जाएगा। कुछ अभी मेरे पास में एक औरत आई थी, उसको 2 साल का बच्चा है, बार बार उसके दिमाग में विचार आता है कि मैं मेरे बच्चे का गला घोट देंगी। अब देखो उसको ये पता है कि सच्ची असल में ये अपने बच्चे का गला घोटने वाली नहीं है, उसको मालूम है, उसको लगता है कि विचार इरेशनल है इलॉजिकल है, ऐसा होने वाला नहीं है, उसने एक बार भी उसके गले को हाथ लगाया नहीं है घोटने के लिए या दबाने के लिए, ये उसको मालूम है, ये करने वाली नहीं है भी मालूम है, और वो बोलते हैं कि मेरे दिमाग में इतने बार 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 विचार आते हैं कि अभी मैं ये सोच रही हूँ कि अभी मेरे लड़के को और कहीं बाहर जाकर रख दूं, क्योंकि मुझे डर लगता है कि मैं सच्ची कर लूंगी। अच्छा उसको पूछा सच्ची कर लेंगे, नहीं नहीं मैं करूंगी नहीं, मगर विचार आता है उनके मन में। कुछ लोग मेरे पास में आते हैं उनको विचार आता है बार 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 कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मन में भर बस वो विचार, तो ये घूमते जाएंगे लोगों के डॉक्टरों के पास में जाते जाएंगे बार 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 ईसीजी निकालेंगे, उनको मालूम है, और उसने मुझे विचार ही आता है। कुछ लोगों को विचार आ गया कि मेरे को एड्स हो जाएगा, हुआ क्या नहीं, वो बार 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 इतने बार वो ब्लड टेस्ट करेंगे और उनको ये विचार है कि मुझे एड्स हो जाएगा, वो HIV की टेस्टिंग बार बार करेंगे, तो ये लोग वैसे काम करने में फिर असफल हो जाते हैं, ये क्रॉनिक बीमारी होती है। क्योंकि क्या होता है कि जैसा इनको किसी ने बताया कि भाई साइकियाट्रिस्ट के पास आप जाओ, तो बोलते नहीं मैं क्या पागल हो गया, मुझे वहां क्यों भेज रहे हो, तो ये मनोचिकित्सक के पास में आएंगे नहीं, मेरे पास में आएंगे नहीं, वो और कहीं दवा ले लेंगे और दवा लेके फिर वो कुछ फायदा तो होता ही नहीं है और फिर सफर होते जाएंगे। जब तक वो मेरे पास में व्यक्ति आता है तब तक साल 2 साल 5-5 साल निकल जाते हैं और फिर थक के फिर मेरे पास में आता है, क्रॉनिक हो जाता है, पुरानी बीमारी हो जाती है, फिर मेरे पास में आते हैं। अब मेरे पास में वो व्यक्ति आने के बाद में मैं उनको पूछता हूँ सच्चे आपको अच्छा होने का है, सच्चे होने का, तो फिर मैं जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा। इसमें होता क्या है कि दो तरह का इलाज है, एक है दवाइयों का इलाज, दवाई दे दो, और दूसरा है मानसोपचार या वर्तनुक उपचार। अब दवाई का कौन सा, ऐसा भी रिसर्च जो है तो रिसर्च ये बोलता है कि ब्रेन में अपने भेजे में मस्तिष्क में सेरोटोनिन नाम का जो द्रव्य है केमिकल जो है उसकी मात्रा कम हो जाने की वजह से ये बीमारी होती रहती है, ऐसा शास्त्र बोलता है। तो सेरोटोनिन बढ़ाने की दवाइयां हम देते हैं, कोई रिसर्च ऐसा है कि क्लोमिप्रेमिन जो है मतलब ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, तो नॉरएपिनेफ्रिन
डोपामिन, ये लेवल्स कम हो जाने की वजह से ये होता है, तो इसलिए फिर हम क्लोमिप्रामिन नाम की दवाई वो देते हैं। उसका जो उसकी जो एंग्जाइटी है, रेस्टलेसनेस, क्योंकि जो विचार आते हैं ये बहुत घबरा जाता है, हाथ कांपने लगते हैं, पसीना आता है, बेचैन हो जाती है, तो उसके लिए फिर हम दवा देते हैं। और दवाई देने के बाद में वो धीरे 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 अच्छा हो जाए। तो यदि बहुत ही रिसेंट बीमारी है, मतलब महीना दो चार महीने में व्यक्ति यदि मेरे पास में आ जाता है दवाई से वो अच्छा हो जाता है। मगर ये पुरानी बीमारी है तो उसको दवाई के साथ साथ उसको मानसोपचार, साइकोथेरेपी, काउंसिलिंग, सम्मोह उपचार, वर्तणुक उपचार ये करना बहुत जरूरी है। इसमें हम सम्मोह उपचार जब करते हैं, हिप्नोसिस, हिप्नोथेरेपी या हिप्नो काउंसिलिंग, तो उसमें मैं क्या करता हूँ कि उसको पूरा सम्मोहित करता हूँ, सम्मोहन की प्रक्रिया करता हूँ। सम्मोहित करने के बाद में फिर उसको मैं बोलता हूँ कि आप अभी विजुअलाइज करो, कल्पना करो कि आप घर में बैठे हो, आपके मन में बार बार विचार आ रहे हैं, और वो विचार जो आ रहे हैं वो आप विचार आने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई भी कृति नहीं कर, आप एकदम रिलैक्स्ड, बहुत ही रिलैक्स शांत है, बस ऐसी कल्पना करो कि आपको विचार आ रहा है और आप शांति से बैठे, आप कुछ नहीं कर, विचार आना है तो उसको आने। यूजुअली क्या होता है, लोग क्या बोलते, नहीं नहीं विचार निकाल डालो, निकाल डालने से विचार जाते नहीं, उसको बोलते कि ठीक है विचार जो आ रहा है उसको ऐसा बाजू में रखो, कल्पना करो कि आप ऐसा उसको उठा के, एक्चुअली ऐसा कल्पना करो कि आप वो विचार को उठा के ऐसा बाजू में रख रहे और अभी अपने काम के ऊपर फोकस करो, ये करो सम्मोहन की अवस्था में। और दूसरा, बाजू में रखने के बाद में ऐसी कल्पना करो कि अभी मैं मेरा काम शांति से रिलैक्स अवस्था में आराम से धीरे धीरे मेरा काम पूरा कर रहा हूं या कर रही हूं। तो ऐसा जब बार बार वो ऐसा करेंगे तो फिर क्या होता है कि धीरे धीरे जब एक्चुअली वर्तमान में, एक्चुअली एक्शन में, एक्चुअली अपने जीवन में जब उसको विचार आता है तो उसको बार बार हम जब ट्रेनिंग देते हैं तो रिलैक्स हो जाता है, उसमें वो रिलैक्स हो जाता है। जब एक्चुअली जीवन में उसको ऐसा हो तो बोलते कि प्रैक्टिस कर, विचार आ गया रिलैक्स हो गया, सेल्फ हिप्नोसिस को सम्मोहन कर, विचार आ गया तो रिलैक्स रिलैक्स और उसके ऊपर कृति करने के लिए, तो उसको सिखाते हैं। तो मेरे पास में मैं हफ्ते में एक बार या दो बार उसको वो व्यक्ति को बुलाता हूँ, और घर में भी फिर कम से कम दो से चार बार रोज ऐसी कृति करने, ऐसी प्रैक्टिस करने के लिए मैं उसको बोलता हूँ। इसके अलावा हम बोलते कि भाई हाथ में बैंड रखू, बैंड रबर बैंड, जिसे ऐसा खींचा और उसको छोड़ गया तो रब से एकदम आपको मार लगेगी, रबर में बहुत ज्यादा मार भी लगती नहीं है। जैसे विचार आ गया जैसा खींचना और उसको छोड़ देना, तो छोड़ देना मतलब एक एवर्शन जैसा उपचार होता है कि भी विचार काट डालना है, निकाल देना है, तो ऐसा भी विचार हो जाता है वो, तो वो भी वर्तनों का उपचार है। जैसे अलग अलग काफी सारे उसमें उपचार है, वो यदि हम उपचार करते हैं तो इससे पूरा फायदा हो सकता है और वो अच्छा हो सकता है। इसको यदि हम इलाज नहीं करते हैं तो बहुत क्रॉनिक बीमारी हो जाती है। फिर कुछ कुछ लोग अभी मेरे पास में फिर मालूम होता है कि उसने खुदकुशी कर ली, क्योंकि उसको लगता है कि अभी मेरा कोई वाली नहीं है, बहुत तकलीफ हो रही है और लोगों को भी तकलीफ होती है। तो ये सब आगे इतनी बीमारी बढ़ने के पहले ही यदि घर के लोग उनको लाते हैं इलाज करने के लिए तो इसमें 100% रिकवरी होती है। तो ऐसी जो हमने आपको जानकारी दिया, ये जानकारी लोगों तक पहुंचाना है करके आप मेरे YouTube को शेयर कर सकते हैं, मतलब उसको वो चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर मैं Facebook पे डाला हूं तो Facebook के पेज को आप लाइक करो, या फिर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया है उसमें मुझे कॉल करो, या हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर भी जानकारी दी है तो उसको भी आप विजिट कर सकते हैं। आपको कुछ सवाल होगा तो आप मुझे मेल भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और आप ये जैसा हमारा एक मिशन है कि मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, सबको मानसिक स्वास्थ्य मिलना चाहिए, इसमें आप हमारे पार्टनर बन सकते हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम शेयर करेंगे, उनको जानकारी देंगे, तो आज जो हमारे देश में जो ऐसे लोग पीड़ित है ये बीमारी से, वो सब अच्छे होकर उनका जीवन अच्छा जी सकेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू।